ऑलराइट हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स वेश, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम बात करने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली ड्यू की ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस रिलीज कर दिया है, तो उस नोटिस के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाले। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि साफ सीधी बात तो ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं और कुछ खास गिनिंदा चुनिंदा यूट्यूबर्स को टारगेट करके वो नोटिस निकाला है। मैंने सीधा सीधा साफ साफ आपको बता दिया वीडियो में आज क्या होने वाला है। तो भाई वीडियो में यही होने वाला है, आज मैं उसी नोटिस के ऊपर थोड़ी सी अपनी राय जो है वो आपको देने वाला हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने SOL की ऑफिशियल साइट पे नोटिस निकाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, कंटिन्यूड वेबसाइट पे क्लिक करना, उसके नीचे स्क्रॉल करना, नीचे जो अचीवमेंट आती है, जहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं, सबसे फर्स्ट जो नोटिस है आज की डेट में निकाला गया है, वो नोटिस को डाउनलोड करके आप पढ़ने लगना। नोटिस में लिखा गया है वो मैं आपको सारा क्लियर करूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में नोटिस के इमेज फोटो कैप्चर करके डाल दिया स्क्रीनशॉट, वहाँ से आप जाके नोटिस पढ़ सकते हो। नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है, नोटिस में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ यूट्यूबर्स को टारगेट किया है जो कि बड़े और काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन चैनल है यूट्यूब पे, और उनको टारगेट करके कहा है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, तो इनके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दो। इनके अगर कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कोई भी ग्रुप में अगर ज्वाइन है तो उसको आप ज्वाइन से छोड़ दो। वो ऐसी अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोगों को भटका रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा उस नोटिस में कहना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसने भी वो नोटिस बनाया है। तो अभी इस चीज़ पे मैं थोड़ी सी अपनी बातें रखना चाहूँगा। इस पे ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बात तो वो नोटिस निकाला है, ये नोटिस किस बेसिस पे निकाला है। नोटिस जो निकाला है उसमें उन यूट्यूबर्स के नाम आपको साइड में शो हो रहे होंगे, नोटिस बार बार मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, एक के बाद एक, दो पेज की PDF है जिसमें टोटल 7 से 8 यूट्यूब बड़े चैनलों के नाम है। जिसमें नाम बताऊँ तो सबसे पहली जो नाम आता है कैटेगरी लिस्ट में, उन्होंने जो लिस्ट निकाली है, पहला नाम भाई अमीन इन्फो का लिखा गया है। सेकंड नाम उसमें सरकारी रिजल्ट भी है, कॉलेज अपडेट्स भी है, और उसमें काफ़ी सारे चैनल है, जिसमें स्ट्रगलर सचिन करके एक चैनल है, एक तसिंग करके, और भी ऐसे काफ़ी सारे चैनल है। SOL डिफेंस का नाम भी उसमें डाला गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की नज़र में कहने का मतलब है, जितने भी चैनल आए, जितने भी, चाहे उसके 2000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 20,000 हो, चाहे वो 1,00,000 से ऊपर हो, उनको जितने भी चैनल ऐसे दिखे SOL अपडेट्स के या कॉलेज अपडेट्स के, जो भी SOL की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, बस उन्होंने अंधाधुन उस लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो भी चैनलों को सजेस्ट किया है उनमें उन्हें क्या अनऑथेंटिक लगा, उनमें क्या ऐसी चीज़ लगी कि वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और गलत इन्फॉर्मेशन वो क्यों देंगे। अमीन इन्फो भाई का चैनल है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है। तो भाई ने कि मैं भी फॉलो करता हूँ और कभी कोई अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता। साथ ही साथ बात रही कॉलेज अपडेट्स की, तो देखो हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती है, कभी कभी कुछ गलत बता देते हैं, मगर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, ना मैं किसी को बोलूँगा कि कोई अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा नाम कैटेगरी लिस्ट में नहीं है, या मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आने वाले समय में मेरा आएगा नहीं आएगा वो सोच के भी नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, अगर चैनल है तो हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए चैनल बनाते हैं, आप लोगों की मदद कर सकें, आप लोगों को उतनी दूर कैंपस के चक्कर ना लगाने पड़े इसीलिए चैनल को बनाते हैं, आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सके इसलिए चैनल बनाते हैं, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती। पॉइंट नंबर 1, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इतना टाइम है कि वो ऐसे चैनलों को टारगेट करके अपने SOL के मेन वेबसाइट पर नोटिस रिलीज करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो हम मिसलीड कर रहे हैं उसको वो ढंग से लीड कर पाए, ढंग से डिसिप्लिन कर पाए, इतना टाइम उनके पास नहीं है, मगर ऐसे चैनलों को टारगेट करने का फालतू टाइम इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़ तो, ठीक है। इनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। सेकेंड चीज़ है, मेरे को नहीं पता कि मेरे बोलने पर कौन ऑफेंस होगा, कौन नहीं होगा, और कौन इससे ज़्यादा क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। उनको भी पता चले जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगता है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको बेकार में बहला फुसला रहा है, उनको मिसगाइड कर रहा है। तो भाई जो जेन्युइन चैनल है उनके बारे में तो मैं ऐसा, अगर वो बोलते हैं तो कोई भी चैनल वाला हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, तो उसको गलत है तो गलत है वो बात, ठीक है। तो एक सेकेंड चीज़ मैं बताता हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का आर्य भट्टा
मर्डर केस जो निखिल वाला डेथ केस चल रहा है उसके ऊपर कल परसों में अभी न्यूज़ चल रही है, अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही है, ठीक है, कल परसों की बात है एक दो दिन की। उस केस में इनको कुछ नहीं कहना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सारे फालतू चीज़ें हो रही हैं, तो इनको ध्यान देना है यूट्यूबर्स पे। इनकी जो अर्निंग है, इनके जो पैसे हैं वो यूट्यूबर्स खाए जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने उंगली का इस्तेमाल सिर्फ एक ही तरह से करना सीखा है, दूसरों की टांग अड़ाना, ठीक है। उंगली का इस्तेमाल दूसरे तरीके से होता है, शायद वो जल्दी सीख ले, मगर इनको ऐसे ही काम करना है। और यही इन्होंने सोच रखा है कि हमें तो अपने जो स्टूडेंट हैं जिनसे हमें पैसा बनाना है, जिनको हमें मिसगाइड करना है, उनको अगर कोई ढंग की गाइडेंस दे देता है यूट्यूबर, तो वो हमारे पास उल्टा लूटने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है ना। यूनिवर्सिटी के पास ये हालत हो गई है कि पैसा कम पड़ रहा है, तो वो यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पास की जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो आप लोगों की वजह से कम हो रही है, आप मिसगाइड कर रहे हो। नहीं भाई, हम मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट को वही बताते हैं जो जेन्युइन है। अब ये स्टूडेंट आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा चैनल आप फॉलो करते हो, कौन सा चैनल जेन्युइन है, कौन सा अनजेन्युइन है। माना हो सकता है किसी भी चैनल पर देख लो, मेरे चैनल पर ये वीडियो ही देख लो, किसी को कुछ बातें चुभ जाए, कुछ गलत लग जाए, ठीक है, मगर कोई का आपको मिसगाइड नहीं करता, ठीक है। और जो नोटिस निकाला गया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इतना वाहियात टाइम है कि वो फालतू ऐसे नोटिस निकालती रहती है, और इससे ना हमें इफेक्ट पड़ने वाला, ना हमारी अर्निंग को इफेक्ट पड़ने वाला। अगर ग्रुप छोड़ते हो, अनसब्सक्राइब करते हो, तो आप लोगों का ही उल्टा नुकसान होता है, आप लोगों को ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है। कोई यूट्यूबर आपसे पैसे नहीं मांगता भी फालतू के, आप लोगों को चक्कर नहीं लगवाते जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले लगवाते हो। तो आप लोगों को देखना है कौन सा जेन्युइन है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी ज़्यादा सुनवाई होती है, कितनी ज़्यादा डिग्रियाँ दी जाती है, और अभी डिग्री फेयर में क्या हुआ वो हाल फिलहाल में जो है ना सब जानते हैं भाई, वहाँ पे हुआ क्या है। तो अब यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है ये डिसाइड करना तो जनता का काम है, आप लोगों को इतना बताने की जरूरत नहीं है, इतनी सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं होती। नोटिस वोटिस निकाल के, जिस तरह से नोटिस निकाला गया देख सकते हो, साइड में नोटिस है, बाकायदा टेलीग्राम चैनल के, यूट्यूब चैनल के नाम लिखे गए हैं सबसे ऊपर, जैसे अमीन इन्फो लिखा गया है, कॉलेज अपडेट्स लिखा गया है, सरकारी रिजल्ट है, सब चैनल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट इनको कौन समझाए, जो इनकी नज़र में आते गए उनका नाम लिस्ट में डाले जाओ। यूट्यूबर्स कौन सा आप लोगों का धंधा नहीं चलने दे रहे, या कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप लोगों के पास बच्चे आने से रोक रहे हैं। पैसा तो आपको तब भी हराम का ही खाना है, तब भी तो पैसे लूट ही रहे हो। एक नोटिस और निकाल दो, 10 नोटिस निकाल दो, मेरी तरफ से नोटिसों की लाइन लगा दो, हम लोग तो इन्फॉर्मेशन देना बंद नहीं करेंगे, बंद नहीं करने वाले, ठीक है। तो जिसको अभी दम है तो यूट्यूब चैनल बंद करवाना है, एक्शन लेना है तो एक्शन ले, बंद कराना है बंद कराए, जो सपोर्ट में है जो समझता है वो सपोर्ट करेगा, जिसको नहीं करना वो यूँ भी नहीं करेगा, उसको कितनी भी बार समझा लूँ। तो मैं किसी को सफाई देने या मैं अपने पक्ष में बोलने नहीं आया, मैं इसलिए बोलने आया कि जो गलत है वो गलत है। नोटिस निकाले जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों के रिगार्डिंग, एडमिशन कब होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है। आज पहला नोटिस देखा जिसमें चैनल के रिगार्डिंग नोटिस निकाला गया है, चैनल के रिगार्डिंग बता रहे हैं कि ये चैनल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनको छोड़ दो। अरे तुम्हें क्या मतलब, हम तो नहीं बोलते यूनिवर्सिटी कपला करते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ दो। कल परसों यूनिवर्सिटी में मर्डर केस हुआ है, ऐसे कोई बच्चा सेफ नहीं है, कोई गर्ल सेफ नहीं है, यूनिवर्सिटी छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो। आप लोग जो हो बच्चों की सुनवाई नहीं करते हो, आप लोगों को छोड़ दो, आपके ऊपर FIR कर दो, पुलिस कंप्लेंट कर दो, या कोई एक्शन ले लिया जाए स्टूडेंट द्वारा। हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, मिसलीड नहीं करा, ना हम किसी को सजेस्ट करते हैं, हम भी कह सकते हैं हमारे इतने सारे फॉलोवर हैं सब्सक्राइब, बट हम लोग नहीं चाहते, ना हम इस चीज़ में पढ़ना चाहते हैं। तो अपना शांति से चलो, काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, और जो फालतू बकवास है उन पे ध्यान ना दे स्टूडेंट भी। तो ये लोग जो नोटिस निकालते हैं इनकी तो आज से नहीं, ये लोग पहले भी फालतू काम करते थे, अभी भी फालतू कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी वाहियात काम ही करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, लिख के ले लो मेरे से। तो बस आप लोगों का मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलती है आप फॉलो, आपको अनऑथराइज चैनल या जो भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है चाहे मैं हूँ आप अनसब्सक्राइब करो, उसको फॉलो ही मत करो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ये जानते हो, और बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है, और इसके ऊपर ज़्यादा समझ गए, और इसके ऊपर मेरा तो मतलब गुस्सा तो आ रही थी, मतलब देख के। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर्स की वजह से, बट जो भाई लोग चैनल बना रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो दो दो साल तीन तीन साल चार चार साल मेहनत करी है, मैं खुद जानता हूँ पर्सनल अमीन इन्फो भाई कैसा है, हम लोग खुद जानते हैं, मिले हैं तो देखा है तो जानते हैं, बट आप लोगों को भी देखा है, उनको भी देखा है, परख के दोनों को स्टूडेंट ने देखा है कौन ज़्यादा जेन्युइन है कौन नहीं है, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहूँगा कि जो फालतू का नोटिस है रिमूव कर दिया जाए, और ये फालतू चीज़ें बका के
कोई चैनल बंद नहीं करवा सकता, ना किसी में हिम्मत है। हिम्मत है तो नोटिस निकालते रहो, करवा के देख लो, जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फ्रेंड्स तक पहुँचे। अभी के लिए इतने, सी यू टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।